गुड मॉर्निंग गाइस, डे टू। और आज के डे टू में हम कवर करेंगे बीचेस। तो होटल से हम आउट हो गए हैं और अब हम निकले हैं। पहले हम आए हैं एक प्लेस में जहाँ पे पुर्तगालीज के हाउसेस हैं, कलरफुल हाउसेस। अब मुझे स्ट्रीट का नाम सही से पता नहीं है, पर मैं आपको उसमें दिखा दूँगा लिख के क्या नाम है स्ट्रीट का। बहुत अच्छे अच्छे हाउसेस बने हुए हैं उस टाइम के, और अभी भी उनको उसी तरीके से मेंटेन करा हुआ है। तो यहाँ से हम जाएंगे बीचेस की तरफ, बागा बीच और दो तीन बीच और हैं वहाँ पर। तो यहाँ से हम फिनिश करके अब हम उस सब की तरफ निकल रहे हैं। और हमारी धन्नो ये खड़ी हुई है, तो हम निकलते हैं, फिर बीचेस पहुँचते हैं, फिर वहाँ से आपको निकलते हैं। Thank you.
दिखा दो आपको, बड़ा बोट आता है सर, पूरा ये जितना बोट है ना उसका पूरा आगे जाके जाएगा 25 किलोमीटर आएगा सर। हाँ सर, एकदम बढ़िया कपल कपल एकदम इंजॉयमेंट होएगा सर, बढ़िया। इधर आप रुकेगा तो भी सारा साइड सीन देख के आएंगे सर। थोड़ा सा टाइम मिला था तो हम ये कर्मा रॉयल मॉन्टेरियो रिसॉर्ट थोड़ा घूम के आए। इस साइड पे जिम है सर, आपको भी दिखेगा। हाँ, अच्छा ये अपना रिसोर्ट है पूरा नीचे तक। अब वहाँ से आए एंट्री और ये नजदीक में बागा बीच है, जस्ट 500 मीटर है। अच्छा। पैदल भी जा सकते हैं शाम के टाइम, दिन में तो गर्मी ज्यादा रहती है। और इस साइड में पीछे की साइड में अंजुना वेगेटो बीच है। अच्छा, बट जाने के लिए 5-6 किलोमीटर लगता है, लेकिन है जस्ट इस हिल के पीछे की साइड में, क्योंकि हम घूम के आते हैं पूरा। अब आए हम बागा बीच।
ऐसा सजता है पूरा जो कॉर्नर्स है वहाँ से लेके ये स्टार्ट हो जाता है ये सारा और वो एंड तक जा रहा है। कर रहे हैं हम 10 मिनट्स आपसे बात हुई है। शौकीन है वो बागा भी जरूर जाए पूरी।
रात यहाँ पे ये प्रोग्राम चलता रहता है, डांस म्यूजिक बहुत ही अच्छा माहौल बना रहता है डांस करने वालों के लिए। तो गाइस आज का ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।